नमस्कार। अर्थ मैटर्स के एक और एपिसोड में मैं माइक पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा मकसद है कि अर्थ मैटर्स कार्यक्रम के जरिए पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के बारे में आप सबको बताएं और समाज में जागरूकता लाएं, लोगों को संवेदनशील करें। तर्क की दौड़ में हमने जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया है। जानवरों की सैकड़ों प्रजातियाँ या तो विलुप्त हो गई हैं या विलोपन के कगार पे है। आज अर्थ मैटर्स के इस एपिसोड में हम एक ऐसी ही प्रजाति के बारे में बात करेंगे जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये भारत के जाने माने रेगिस्तान थार डेजर्ट की महत्वपूर्ण प्रजाति है और आज इस रेगिस्तान के विशालकाय जीव का अस्तित्व खतरे में है। यह है कैमल यानी ऊंट। तो आइए देखते हैं अर्थ मैटर्स में ऊंट। रेत के महासागर, चिलचिलाती धूप, तपती गर्म हवाएं, जीवित रहने का संघर्ष, रेगिस्तानों को पृथ्वी के सबसे बेरहम इलाकों में से एक माना जाता है। पृथ्वी के पांचवें हिस्से में रेगिस्तान मौजूद हैं। दुनिया भर में 12 अलग अलग मरुस्थल हैं। यूरोप तथा अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी हर महाद्वीप में कम से कम एक रेगिस्तान मौजूद है। थार रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ये दुनिया का सातवां सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो भारत के चार राज्यों में फैला है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। यहां तापमान में जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है। सर्दियों की रात में जहां तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है, वहीं गर्मियों की दोपहर में ये 50 डिग्री तक चढ़ जाता है। यहां पानी सिर्फ भ्रम के रूप में ही नजर आता है। बाकी जगहों पर हर साल जहां औसतन सामान्य बारिश 110 सेंटीमीटर होती है, वहीं रेगिस्तान में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। लेकिन इतने चरम तापमान और पानी की कमी के बावजूद कुछ बेहद कमाल के पेड़ पौधे और जीव जंतु इस बंजर इलाके में पाए जाते हैं और ये कमाल लाखों वर्ष की विकास प्रक्रिया का है। जिन जीवों ने रेगिस्तान की बेरहम स्थितियों के मुताबिक अपने आप को ढाला है और जीवित रहने की रणनीतियां बनाई हैं, उन्हीं में से एक है ऊंट। ऊंट ने यहां जीवित रहने के लिए अपने आप को कई ढंग से ढाला है। इस तरह यह जीव रेगिस्तान की आहार श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण प्रजाति बन गया है। रेगिस्तान में रहने वाले लोग आमतौर पर बकरियां और भेड़ पालते हैं और ये जानवर उस कीमती वनस्पति को खा लेते हैं जो यहां छोटे से बारिश के मौसम के दौरान उगती है। इस तरह ये रेगिस्तान के फैलाव को और बढ़ावा देते हैं। मवेशियों, बकरियों और भेड़ों के विपरीत ऊंट ऊंचे ऊंचे पेड़ों और नमकीन झाड़ियों की कड़वी, कांटेदार और सूखी पत्तियों से बखूबी गुजारा करते हैं, जिनमें प्रोटीन की भारी मात्रा होती है। ऊंट रुककर नहीं खाते, बल्कि वे एक जगह खाते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, जबकि उनके सामने घनी वनस्पति भी मौजूद होती है। तो इस तरह वे सघन चराई करके रेगिस्तान की वनस्पति को बर्बाद नहीं करते और कुदरती छटाई करते रहते हैं। इन्हें रेगिस्तान का माली कहा जा सकता है। ये अपनी जरूरत पूरी जरूर करते हैं, लेकिन बिना इस संसाधन को नुकसान पहुंचाए। ऊंट बड़े अनूठे जीव हैं। ये कई कई दिन तक अपनी प्यास को नियंत्रित कर सकते हैं और सच तो ये है कि ये 3 हफ्ते तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। अपनी अनूठी शरीर प्रणाली के बल पर ये अपनी रक्त वाहिकाओं और वसा वाले ऊतकों में पानी जमा कर सकते हैं। ताजे पानी की कमी के मामले में ऊंट खारे पानी से भी गुजारा कर सकते हैं, जो कि दूसरे जानवरों के लिए आमतौर पर घातक होता है। ऊंट नमकीन पौधों से भी पानी हासिल कर सकता है। ये पौधों से हासिल नमक को अपने पेट और आंतों में जमा कर लेते हैं। इनके शरीर के कुल वजन का 30% हिस्सा इन्हीं चीजों से बना होता है। सूखे के दौरान यही नमकीन द्रव्य इनके अंदरूनी जल भंडार की भूमिका निभाता है।
आम मान्यताओं के विपरीत इसके कूबड़ में पानी जमा नहीं होता, बल्कि ये तो चर्बी वाले ऊतकों का ढेर होता है, जिसे तब ये जीव ऊर्जा और नमी में बदल लेता है जब अकाल की हालत में आहार पाना मुश्किल होता है। आमतौर पर ऊंट के कूबड़ का वजन उसके शरीर का 20वां भाग ही होता है। जब ऊंट लंबी दूरियां तय करता है तो उसके शरीर पर मौजूद इस कूबड़ में से फैट कम होने लगता है, क्योंकि ऊंट कुछ खा नहीं रहा होता। ऐसे में उसे ऊर्जा फैट से मिलती है, उसे इस फैट से ताकत हासिल होती है। इस फैट के पचने पर पानी पैदा होता है। हर एक किलोग्राम फैट से 1.1 किलोग्राम पानी पैदा होता है, और ये पानी ऊंट उत्पन्न करता है। ऊंटों की शरीर प्रणाली बड़ी अनोखी होती है, जिसके बल पर वे तापमान सहने की अपनी क्षमता को पसीना आने से पहले 6 डिग्री तक बढ़ा लेते हैं। इस तरह ये अपने कीमती शारीरिक द्रव्यों को बर्बाद होने से बचा लेते हैं। शरीर में मौजूद द्रव्यों को बचाने का ऊंट के पास एक और भी तरीका है। वे अपनी नाक को सिकोड़ते रहते हैं, जिससे भीतर जाने वाली हवा ठंडी हो जाती है और बाहर जाने वाली सांस की नमी घनीभूत हो जाती है। ऊंट की बड़ी बड़ी आंखों का बचाव इनकी लंबे बालों वाली पलकों की 2 कतारें करती हैं। इस तरह तूफानों के दौरान रेत और महीन धूल इनकी आंख और नाक में नहीं जाती। ऊंटों के पांव चौड़े, समतल और गुदगुदे होते हैं और हर पैर में 2 उंगलियां होती हैं। जब ऊंट जमीन पर अपना पांव रखते हैं तो ये पैड फैल जाता है और इनके पांव नर्म रेत में नहीं धंसते। रेगिस्तान के हालात के मुताबिक पूरी तरह ढला हुआ ये जानवर इस बंजर इलाके की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। रेगिस्तान की जनजातियों और खानाबदोशों के लिए ऊंट ट्रांसपोर्ट, छाया, दूध, मांस, ऊन और खाल के मूल स्रोत हैं। बदकिस्मती से और बहुत सी प्रजातियों की तरह रेगिस्तान का ये प्राचीन जहाज भी विलोपन का खतरा झेल रहा है। पिछले सेंसस जो 18वां सेंसस हुआ था 2007 में, उसमें संख्या देखी गई थी 5.27 लाख। अब वो घटकर 2012 में 19वें लाइफ स्टॉक सेंसस में पता चला है कि 4 लाख के करीबन रह चुकी है। तो 1.25 या 27 लाख जो इसकी संख्या में घटौती हुई है, इसका कारण मुख्यतः यह देखा गया है कि लोगों में इसकी रुचि कम हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 4 करोड़ वर्ष पहले ऊंट के पूर्वज उत्तरी अमेरिका में रहते थे। ऊंट पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से होते हुए एशिया में पहुंचे। आज 2 तरह के ऊंट मौजूद हैं। एक कूबड़ वाले ड्रोमेडरी या अच्छी नस्ल के ऊंट और 2 कूबड़ तथा छोटी टांगों वाले बैक्ट्रियन ऊंट। बैक्ट्रियन ऊंट ठंडे रेगिस्तान का वासी है। मध्य एशिया के गोबी रेगिस्तान के अलावा ये भारत के लद्दाख में भी कुछ जगहों पर पाया जाता है। ऊंचाई के मुताबिक ढले हुए 2 कूबड़ वाले इन ऊंटों की खाल ज्यादा गहरे रंग की और ज्यादा बालदार होती है, और 1 कूबड़ वाले ऊंट के मुकाबले इनकी टांगें छोटी होती हैं। ड्रोमेडरी ऊंट मैदान के निवासी हैं, जो मुख्य रूप से उत्तर अफ्रीका, अरेबिया और भारत के राजस्थान और गुजरात के बंजर इलाकों में पाए जाते हैं। आज 1 कूबड़ वाले ऊंट सिर्फ पालतू जानवर के रूप में ही मौजूद हैं। सच तो यह है कि लगभग 2000 साल पहले ही वे वन्य जीव के रूप में विलुप्त हो चुके थे। रेगिस्तान, मरुस्थल, एरिड और सेमी एरिड इलाकों के विकास में ऊंटों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऊंटों और रायका लोगों के बीच का रिश्ता संबंध सदियों पुराना है। रायका समुदाय का ऊंटों के बिना गुजारा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। रायका समुदाय की पहचान ही ऊंटों से है। जहां ऊंट वहां रायका, जहां रायका वहां ऊंट। रायका लोग राजस्थान की सबसे पुरानी भील प्रजातियों में से हैं। उनकी परंपराएं और विश्वास इस बात के सबूत हैं कि जानवर और इंसान के बीच कितना करीबी रिश्ता है। ये एक जीव के दूसरे जीव पर निर्भर रहने की अनूठी मिसाल है।
रायका लोग ऊँटों को पारंपरिक तौर पर पालते हैं और राजस्थान की पश्चिमी सरहद और गुजरात में कच्छ में पाए जाते हैं। रायका लोग गांवों के बाहर रहते हैं, जबकि वे ऊँटों के अपने झुंड को अपने घर के भीतर आंगन में रखते हैं। कैमल रियरिंग रायका लोग न केवल परंपरा के तौर पर ऊँटों को पालते हैं, बल्कि ऊँटों के साथ उनका धार्मिक और भावनात्मक रिश्ता भी होता है। ऊँटों को रखना उनके लिए जीवन शैली का एक हिस्सा है। रायका लोग खानाबदोश होते हैं और चरागाहों की तलाश में अपने ऊँटों के साथ साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। ये झुंड तो कई हफ्तों या महीनों तक भी घर से दूर रह सकते हैं। ऊँट का दूध इनकी जरूरतों को पूरी कर देता है। रायका लोग हमेशा बेहद कम सामान लेकर चलते हैं। ऊँट उनकी निगरानी तले बेफिक्री से चरते रहते हैं। सदियों से ऊँट का दूध किस्से कहानियों का हिस्सा रहा है और इसका इस्तेमाल बीमारियों को दूर करने और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता रहा है। ऊँट का दूध बेहद पोषक होता है, इसमें प्रोटीन ज्यादा होती है और गाय के दूध से भी कम चर्बी मौजूद होती है। गाय के दूध के मुकाबले इसमें विटामिन सी की मात्रा 3 गुना ज्यादा होती है और इसमें विटामिन B1, B2, B12 और A की मात्रा बहुत अधिक होती है। सूखे के मौसम के दौरान भी ऊँट हर रोज 4 से 5 लीटर दूध दे सकता है, जो 6 से 8 लोगों को जिंदा और सेहतमंद रखने के लिए काफी है। पारंपरिक तौर पर रायका लोग ऊँट के दूध को बेचने को अभिशाप मानते हैं, लेकिन अब कुछ इलाकों में दूध की बिक्री आय का जरिया बनती जा रही है। ऊँटों के बाल भी अब आमदनी का जरिया बन गए हैं। बाल झड़ने के मौसम के दौरान किसी ऊँट से 2.25 किलो तक बाल मिल सकते हैं। रायका लोग ऊँट के बालों से कपड़े और कंबल बनाते हैं। कुटीर उद्योग के लिए ऊँट के बाल एक कीमती कच्चा माल है। इस मजबूत सामग्री से शॉलें, कंबल, रस्सियां और पायदान बनाए जाते हैं। लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद आज ऊँट रायका लोगों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है। 3 साल की उम्र वाले ऊँट की बिक्री से सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए ही मिलते हैं। Most of these camels which they sell, they are bought by the peasants. रायका द्वारा बेचे गए ऊँट ज्यादातर किसान ही खरीदते हैं। लेकिन अगर किसान ऊँट की जगह ट्रैक्टर या मशीन खरीदें जो सामान ढोने में उनकी मददगार हो, वे ऊँट क्यों खरीदेंगे? और इसी की वजह से ऊँटों की कीमत कम होती जा रही है। And because of this, the economic value has gone down. मशीनीकरण, चारे की कमी, सिकुड़ते चरागाह, बढ़ती बीमारियां, भेड़ और बकरी पालने वालों की तादाद में बढ़ोतरी कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे ऊँटों की आबादी घट रही है। तो पहले मेरे पास में 60-70 ऊँट थे, आज की तारीख में मेरे पास में 10-12 भी हैं। इन मुश्किलों की वजह से रायका लोग ऊँट पालने की अपनी परंपरा से दूर हट रहे हैं। थानाराम की मिसाल ही लीजिए, उन्होंने अध्यापन को अपना पेशा बना लिया है। ऊँटों के अंदर इतना जितना रोजगार मिलना चाहता है उतना नहीं मिलता है, इसलिए मैंने उनको पहले से जो हमारे घर में जो आमदनी थी वो मेरे को मालूम ही थी कि कितनी ऊँटों से मिलती है, तो वो नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैंने ऊँटों का धंधा छोड़ दिया और मैंने ये टीचर का व्यवसाय अपना लिया। बहुत सारे जो ग्रेजुएट नहीं है लड़के जो पढ़ लिख नहीं रहे वो अभी बॉम्बे की तरफ प्लान करते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं, कोई अपना अपना व्यवसाय जो प्राइवेट धंधा है जिसमें उनको आमदनी अच्छी मिले वो कर रहे हैं, लेकिन पशुपालन के व्यवसाय से थोड़ा हट रहे सभी। बीकानेर भारत के एक कुबड़ वाले ऊँटों की जन्मस्थली है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने जोरबीर बीकानेर में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बनाया है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल या NRCC का मुख्य उद्देश्य ऊँट पालने वालों के लिए ऊँट को आर्थिक रूप से वहनीय बनाना है। कैमल की जो नस्लें हैं, जो बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और कच्छी और भी जो कोई और नस्लें 7 नस्लें की बताई है, उसका संरक्षण करने के लिए NRCC ने कुछ प्रयत्न किए हैं, जिसमें कि इनके एलीट हर्ड्स बहुत अच्छे जो जानवर हैं उनका संग्रहण हमने यहाँ किया है, और उसका संग्रहण करते हुए हम ऐसे नर भी पैदा कर रहे हैं कि जो वितरित किए जा सके फार्मर्स के लिए, और जो उसका उपयोग लेते हुए अपने पास जो उपलब्ध उनके जो कैमल है उसको भी बढ़ा सकते हैं और अच्छी तरह से उसकी गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं।
इस मकसद को हासिल करने के लिए एनआरसीसी ने ऊंटों को उनकी ऊंचाई, जोतने की योग्यता, भार ढोने की क्षमता, शारीरिक वजन और आनुवंशिक पैरामीटर्स के हिसाब से श्रेणियों में बांटा है। अच्छी कद काठी वाला 700 किलो वजन का ऊंट बिना थकावट दिखाए 2 टन वजन को 4 घंटे तक ढो सकता है। जैसलमेर एक किस्म ज्यादा बड़ी और दिखने में दुबली पतली होती है, जिससे ये सवारी और दौड़ के लिए ज्यादा उपयुक्त है। कच्छी ब्रीड के ऊंटों को दूध के उत्पादन के लिए जाना जाता है और इनका रोजाना का दूध औसतन 4 से 5 लीटर होता है। इस प्रजाति के ऊंट भारी, रंग में हल्के और ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखते। ऊंटनी के दूध में जो हम लोगों ने इसमें बहुत सारे विश्लेषण किए, तो उसमें जितने भी संगठन हैं, रासायनिक संगठन हैं, बायोकेमिकल कंपोजिशन है और जितने भी इसके तत्व हैं, अवयव हैं, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उन सबका विश्लेषण किया गया और उससे ये पता किया गया कि ऊंटनी के दूध में बहुत सी समानताएँ और बहुत से गुण ऐसे हैं जो और एनिमल जो हैं, चाहे उसमें गाय हो भैंस की तुलना में अच्छे हैं। उन सबको ध्यान रखते हुए हमने ऊंटनी के दूध के जो पदार्थ हैं उस पर काम किया गया, शोध कार्य किए गए और उसमें कुछ दूध पदार्थ बनाए गए जिससे कि समाज में इसकी उपयोगिता को दोबारा पुनः से स्थापित किया जा सके। प्रजनन की दृष्टि से ऊंट साल में एक ही बार सक्रिय होते हैं। ऊंटनी का गर्भकाल 1 साल का होता है और ये अक्सर एक ही बच्चा देती है, लेकिन कभी कभी जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं। जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर बच्चे चलने लगते हैं, लेकिन 5 साल की उम्र तक ये अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। मगर बदकिस्मती से इन बच्चों की मृत्यु दर 20-30% है। एनआरसीसी ने इनकी जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नए प्रजनन कार्यक्रम विकसित किए हैं। 1 जनवरी 1910 को मान लीजिए एक मादा ऊंटनी गर्भित हुई, वो 13 महीने पश्चात यानी कि 1 फरवरी 1911 को बच्चा देगी। उसके बाद 2 महीने का समय लगभग हर पशु में हम समय देते हैं ताकि अगला गर्भ धारण करने से पहले, और वो जब तक समय व्यतीत होता है तब तक इसका जो पारंपरिक ब्रीडिंग सीजन है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊँटनी को, हमने ये देखा कि ब्याने के महीने और 2 महीने के बीच में इसके अंदर फॉलिकल्स पाए जाते हैं और उस कंडीशन में हमने इनको ब्रीड कराने की कोशिश की और सफलपूर्वक हमें ब्रीडिंग मिली। ऊँटों की सामान्य उम्र 40 साल होती है, अलबत्ता कामकाजी ऊँट 25 साल की उम्र तक ही ठीक से काम कर पाता है। ऊँटों को बदमिजाज जानवर कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि ये बहुत ही सौम्य जीव होते हैं। इन पर जब सामान लादा जाता है तो ये भुनभुनाने और बलबलाने की आवाजें निकालते हैं, लेकिन ये काम करने के प्रति इनकी अरुचि का प्रतीक नहीं है। ऊंटों को लोक कथाओं में बड़ा सम्मान और प्यार दिया जाता है और ये रेगिस्तान के योद्धाओं की गौरवशाली कहानियों तथा बहादुरी से जुड़ी दास्तानों का अभिन्न अंग हैं। आज ये लचीला और वक्त के हिसाब से ढला हुआ जानवर तेजी से बदलती दुनिया में जिंदा रहने का आखिरी संघर्ष कर रहा है। अंधाधुंध डेवलपमेंट यानी विकास, ये बढ़ता जा रहा है, हर जगह पे इसके आसार दिखाई देते हैं। रेगिस्तान में भी ऊंट का योगदान कम होता जा रहा है। ये सुनिश्चित करना हमारी और आने वाली पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि ये शानदार जानवर कैमल आने वाले भविष्य में भी अपनी खास जगह बनाए रखे, और इसका बोझ हम सब के कंधों पर है, हमारे कंधों पर। और अब एक बार फिर समय आ गया है हमारे साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, इस समुद्री प्रजाति को पहचानिए जो मृत या मरे हुए कोरल को खाती है, और इसका सही जवाब है पैरट फिश। पैरट फिश एक अद्भुत मछली है जिसका मुंह एक तोते की चोंच जैसा बना होता है। ये कॉरल्स को खाती है और उन्हें रेत में तब्दील कर देती है। और आज के विजेता हैं प्रिया नई दिल्ली, ब्रिजेश कुमार उत्तर प्रदेश, मंजूश्री कर्नाटका, सौविक राय पश्चिम बंगाल, प्रियंकर मिश्रा उड़ीसा। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा अर्थ मैटर्स की तरफ से एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट, और अन्य 10 विजेताओं को फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेंगे।
और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट्स विजेता हैं पूजा रजक मध्य प्रदेश, वाणी टी आंध्र प्रदेश, श्री लक्ष्मी एस कर्नाटका, आशुतोष शुक्ला उत्तर प्रदेश, दीप्ति परमार गुजरात, अनंत केसरवानी राजस्थान, रमाकांत चिंता महाराष्ट्र, एम रंजन सिंह मणिपुर, रोहित सिंह दिल्ली, रामस्वरूप पात्रा ओडिशा। और अब ध्यान से सुने इस हफ्ते का सवाल। चिंकारा हिरण या काले हिरण यानी ब्लैक बक अपनी प्यास कैसे बुझाते हैं? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। हाउ डज द चिंकारा और द ब्लैक बक क्वेंच देयर थर्स्ट? अपने अपने सही जवाब एक हफ्ते के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजें। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, पोस्ट बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048। और हमारा ईमेल आईडी है ddearthmatters@gmail.com। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने अपने विचार और ख्याल और सुझाव हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमें आपके खतों का हमेशा इंतज़ार रहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे को लेकर एक नई दिशा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।